वेलकम टू ईशानी वीडियोस। धीरज धूपर को तो आप सब जानते ही होंगे, जो कि आप सबको नजर आए हैं बहुत ही ज्यादा दिनों से या फिर हम बोले सालों से कुंडली भाग्य के अंदर। अब यहाँ पर उनकी तरफ से कई सारी खबरें सामने आ रही है और उन्होंने कुछ बातें बताई हैं और उसके साथ साथ उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा ऐसी बातें शेयर की जो कि आप सबको पता होनी जरूरी भी है। आखिर में वो क्या कर रहे हैं और आखिर में यहाँ पर क्या बड़ी खबर है, चलिए हम आपको बताते हैं। और साथ ही साथ आपके एक सबसे बड़ी यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि आखिर में कुंडली भाग्य कब शुरू होगा, इस वीडियो के अंदर उसका अभी जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। धीरज धूपर ने यहाँ पर कई सारी बातों का खुलासा किया और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें बताई जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव भी हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि यहाँ पर अब पुणे में लॉकडाउन 18 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि धीरे धीरे करके छोटी मोटी दुकानों को खोला जाएगा और बाकी जो मॉल्स हैं उन सबको बंद रखा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने बताया कि पुणे में 18 मई तक लॉकडाउन तो है, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर उसको खोला जाएगा और 18 मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन खोलने की यहाँ पर बात की गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक तरफ ऐसा इशारा किया कि कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको यहाँ पर पीने और खाने और नहाने तक का पानी सिर्फ मिल पा रहा है, जहां पर उन्होंने एक यहाँ पर न्यूज कटिंग पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो कि आप देख ही रहे हैं, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। वहीं आपकी तरफ से बार बार पूछा गया सवाल, क्या यहाँ पर कुंडली भाग्य कब से स्टार्ट होगा, कब से हमें उसका नया एपिसोड देखने को मिल जाएगा, तो चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपको बता दें लॉकडाउन धीरे धीरे करके हटेगा और उसके बाद में शूटिंग स्टार्ट करने की बात की जाएगी। अब यहाँ पर शूटिंग कब से स्टार्ट होगी, मन में सवाल होगा। शूटिंग यहाँ पर 4 मई के बाद में स्टार्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है, कम लोगों के साथ में और यहाँ पर शूटिंग स्टार्ट की जाएगी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा ये अभी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कंफर्म होना बाकी है। जैसे ही हमें कंफर्म होगा हम आपको जल्दी से ही पूरी तरह से एक प्रॉपर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही साथ खुशखबरी भी आपके लिए जल्दी ही लाने वाले हैं, क्योंकि नया एपिसोड जल्दी ही ऑन एयर किया जाने वाला है ZTV पर। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।